रूस ने भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन के उत्पादन को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रीव ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन भारत में होता है और कोरोना वैक्सीन बनाने में हम भारत की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के लोकलाइजेशन के लिए संबंधित मंत्रालयों, भारत सरकार और बड़े निर्माताओं के बीच चर्चा जारी है। बता दें कि रूस ने पिछले महीने ही वैक्सीन बना लेने का दावा किया है, लेकिन दुनिया के कई विशेषज्ञों ने अभी वैक्सीन के और परीक्षण की जरूरत बताई है। किरिल दिमित्रीव ने कहा कि भारत की क्षमता को हम पहचानते हैं। भारत में न केवल अपने देश के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी वैक्सीन बनाने की क्षमता है। वही मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता पाने के लिए रूस की सरकार और वहां की जनता को बधाई दी। उन्होंने वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की है। बता दें कि कुछ दिन पहले किरिल दिमित्रीव ने कहा था कि रूस कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत उन देशों में है जिसके पास प्रोडक्शन की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिकी, एशिया और पश्चिम एशिया के कई देश टीके के उत्पादन के लिए इच्छुक है। इस टीके का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और फिलहाल हम भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।